नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। राशिफल 26 अक्टूबर 2020, क्या कहते हैं आप सितारे, आइए जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। सूर्योदय होगा 6:32 AM पर, सूर्यास्त होगा 5:16 PM पर। तिथि है दशमी और 9 बजे तक दशमी रहेगी, फिर उसके बाद एकादशी हो जाएगी। और योग है वृद्धि, पक्ष है शुक्ल पक्ष, वार है सोमवार, नक्षत्र है शतशिवा, चंद्र राशि जो आपकी है वो कुंभ है, सूर्य राशि जो है आज तुला है। अभिजीत मुहूर्त है 11:42 AM से 12:27 PM तक। विजय मुहूर्त है 1:55 PM से लेकर 2:39 PM तक। राहु काल है 7:55 AM से लेकर 9:18 AM तक। कुछ लोग आज दशहरा भी मना रहे हैं, तो उनको आज दशहरे की शुभकामनाएं। तो हम सबसे पहले 2 मिनट के लिए जानते हैं कि आपकी राशि के लिए लाजवर्द रत्न क्यों आवश्यक है, फिर उसके बाद राशिफल जानेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे एक बहुत अच्छी सी बात जो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आपकी राशि को शनि की 7.5 है, ढैया है, राहु केतु शनि के अशुभ प्रभाव है। आप लाख कोशिश कर लें, आप लाख प्रयास कर लें, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु केतु प्रभावित है, शनि चंद्र का कोई संबंध है, शनि सूर्य का कोई संबंध है, आपको वो तरक्की नहीं मिल सकती जो आप चाहते हैं। हाँ, या तो ऐसा हो सकता है कि उस तरक्की के लिए आप इतनी मेहनत करें कि आपकी मेहनत इतनी बड़ी हो और परिणाम इतना सा मिले, ऐसा हो सकता है। या आपको परिणाम बहुत देर सवेर मिले, किया आज मिला 10 दिन बाद, किया काम 100 रुपये का मिला 50 रुपया। ऐसे में अगर आप संतुष्ट हैं तो फिर आप संतुष्ट हैं तो अच्छी बात है। संतुष्टि हो जाने पर तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आपको लाजवर्द रत्न पहनना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब लाजवर्द रत्न, शनि की 7.5, काल सर्वदोष, राहु केतु के अशुभ प्रभाव, इन सबसे मुक्ति कराता है, जीवन में आपकी बुद्धि को तेज करता है, अनेक बहुत सारे इसके अच्छे फायदे हैं। तो लाजवर्द रत्न लेने के लिए आपको L31 लिखकर मैसेज करना है। इस तरीके के लॉकेट में लाजवर्द रत्न आपको मिल रहा है और हम भेज रहे हैं, और उसके साथ में एक लाजवर्द रत्न का स्टोन फ्री भी मिल रहा है। तो आपको L31 लिखकर भेजना है और अपने जीवन की खुशियों को आपको स्वयं खरीदना पड़ेगा। इस संसार में आपके लिए कोई भी इंसान या कोई भी फ्री में काम नहीं करेगा, आपको हर एक चीज़ के दाम देने पड़ेंगे और हर एक चीज़ आपको खरीदनी पड़ेगी। फ्री में सिर्फ आशीर्वाद मिलता है, आजकल तो कहिए वो भी नहीं मिलता। आप लोगों में से कई लोग कहते हैं ना कि साहब आप व्यापार कर रहे हैं, आप चीज़ें बेच रहे हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में पानी पिलाने का काम जो है सबसे पुण्य का काम होता है। पानी भी आजकल साहब बोतलों में मिल रहा है, आप उनसे जाके बोलिए कि पानी पिलाना तो पुण्य का काम है, फ्री में क्यों नहीं पिलाते आप? मुझ पर उंगली उठाते हैं जो पानी बेच रहे हैं या बाकी चीज़ें बेच रहे हैं, उनसे बोलिए तो आपको समझ में आ जाए। जो पानी जो फ्री की चीज़ भी बिक रही है, ये तो फिर भी मूल्य की आती है। तो इस दुनिया में इतना मान लीजिए आपको कुछ भी फ्री का नहीं मिलेगा, ना मैं दूंगा, ना कोई और देगा, सब बिजनेस है। हाँ, शर्त यह है कि वो पैसा लेकर अच्छा और ओरिजिनल पानी दे रहे हैं, उसी तरीके से पैसा लेकर हम बढ़िया और सही चीज़ दे रहे हैं, इतने में ही संतोष कर लीजिए। तो आपको लाजवर्द रत्न ले लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी को संवारना है तो L31 लिखकर भेजिए। दूसरी बात भी चलिए अभी बता देते हैं, फिर राशिफल को शुरू करेंगे। दूसरी बात यह है कि इस दीपावली मैं चाहता हूँ कि आपके घर में साक्षात महालक्ष्मी आए, और साक्षात महालक्ष्मी आने के लिए आपको साक्षात महालक्ष्मी को पूजना पड़ेगा। अब पूजने के लिए ये देखिए, इस तरीके से डब्बे में आपको मिलेंगी महालक्ष्मी, ये साक्षात है, ओरिजिनल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ये न मिट्टी की है, न सोने की है, न चांदी की है, ये ओरिजिनल है, जैसा भगवान ने बनाया है वैसा है। ठीक है जी, जैसे इंसान का पुतला आप सोने का बना दें या चांदी का बना दें वो तो पुतला ही कहलाएगा, लेकिन इंसान जो है ओरिजिनल क्या है, हम और आप हैं, तो वैसे ही ये ओरिजिनल है। और ओरिजिनल चीज़ की पूजा करिए तो आपको फल मिलेगा, अब आप पुतले की पूजा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा।
ठीक है। तो जीवन में पहली बार अपने घर में सात मुखी रुद्राक्ष यानी महालक्ष्मी और गणेश रुद्राक्ष को लाइए, इनका पूजन करिए, यकीन मानिए आगे आने वाला वक्त बहुत शानदार होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, शनि राहु केतु जैसे अशुभ ग्रह भी आपको छू नहीं पाएंगे, घर में सुख समृद्धि आएगी, भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप मंगा सकते हैं। इसके साथ में और भी बहुत कुछ है वो भी जान लीजिए। ये देखिए इस तरीके की एक किट आएगी आपके पास, इसमें क्या है, सीप है, कमलगट्टा है, पंचरत्न है, चरण पादुका है, और ये जो चीजें हैं ये महालक्ष्मी को बहुत पसंद है। ये पांच चीजों का जो सेट है इस तरीके से ये आपको मिलेगा, सीप, कौड़ी, कमलगट्टा, पंचरत्न, ये जब आप महालक्ष्मी को चढ़ाएंगे तो प्रसन्न होंगी। जैसे आपको खाने में मान लीजिए पनीर की सब्जी पसंद है और आपको खाना खाने बैठे पनीर मिल जाए तो आप दो रोटी की जगह चार रोटी खा लेंगे या दो की जगह तीन खा लेंगे क्योंकि आपकी पसंद की सब्जी बनी हुई है। वैसे ही महालक्ष्मी को जब इन सब चीजों का भोग लगता है तो महालक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको और अच्छे आशीर्वाद देती हैं। तो ये हम इन महा जो साक्षात महालक्ष्मी इनके समक्ष चढ़ाएंगे और इनको आप अपने घर की तिजोरी, बैंक में, लॉकर में, मंदिर में कहीं भी रख सकते हैं और ये एक बार ले लिए सारी जिंदगी चलेंगे। रुद्राक्ष जो है आप रहे ना रहे लेकिन रुद्राक्ष अपनी कृपा दिखाता रहता है और जिसके घर में रुद्राक्ष के रूप में महालक्ष्मी है शिव की कृपा अपने आप बरसने लगती है। तो ये आपके लिए एक सोने पे सुहागा है और असली चीज तो असली ही होती है। इसके साथ में आपको देखिए क्या मिलेगा, हम पूरी चीज दे रहे हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। इसके साथ कपूर है, इसके साथ आरती करने के लिए बत्ती है और ये धूप बत्ती है और ये दिया है, इस दिए में जलाइए इनको, चीजों को अपने घर का शुद्ध देसी घी प्रयोग करिए और इनसे पूजन करिए, एकदम आनंद आ जाएगा आपको, महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। और महालक्ष्मी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, बताशा। आप लाख मिठाइयां ले आइए लेकिन गुड़ और बताशे का जो प्रसाद है उसका तो क्या कहना, यही महालक्ष्मी को पसंद है। आप उसका प्रसाद चढ़ाइए, देखिए फिर महालक्ष्मी कैसे आपके घर में कृपा नहीं करती है। हल्दी, हल्दी चढ़ाइए, पांच गांठें चढ़ाइए और फिर इस हल्दी को संभाल के भी रख लीजिए, तिजोरी में रख लीजिए, आनंद आ जाएगा। इसके अलावा धनिए के बीज, थोड़े से धनिए के बीज चढ़ाइए, आनंद ही आनंद। ये देखिए ये माला, इससे आप उनको सुशोभित करिए, उनको और बढ़िया से उनकी खूबसूरती बढ़ाइए। इसके अलावा ये कलावा, ये आप और आपके परिवार के लिए इसको हाथ पे बांधिए, अभिमंत्रित कलावा। और ये इत्र, खुशबू महालक्ष्मी को बहुत पसंद है, खुशबू छिड़किए ताकि वो खुश हो सके। केसर, केसर का टीका आप लगाइए, इस तरीके से केसर आपको मिलेगा, घोल के चंदन रोली और केसर का, आनंद आ जाएगा, महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। ये चंदन और रोली है। और ये आपका क्या है, जनेऊ, गणेश जी को जनेऊ चढ़ाइए। इसके साथ में कुबेर यंत्र, कुबेर देव की भी पूजा आपकी हो गई। और ये देखिए ये सब जो है मिष्ठान है, भगवान एक फल के रूप में है, इलायची, लौंग और सुपारी, ये भी भगवान को चढ़ाइए। उसके साथ साथ ईश्वर को और अच्छा करने के लिए आप ऊपर से ये लाल चुनरी है इससे सुशोभित करिए। और ये आपको एक छोटी सी प्लेट दी जा रही है, ये प्लास्टिक की प्लेट है, आपको पहले बता दें, बहुत सुंदर कारीगरी की गई है। इसमें आप सारी चीजें चढ़ाइए, ऐसे रख के कीजिए ताकि जमीन पे ना रखें। और क्या पूजा करनी है, कैसे क्या चीज चढ़ानी है, पहले क्या चढ़ाना है, बाद में क्या चढ़ाना है, कौन से भगवान की, गणेश जी की आरती करनी है, विष्णु जी की करनी है, महालक्ष्मी की करनी है, कौन सा मंत्र पढ़ना है, ये सारा कुछ भी प्रिंटेड आपको मिलेगा ताकि आपसे कोई गलती ना होने पाए। ये जो पूरी किट है सारा कुछ ये 4,500 रुपये का है और इसके साथ में एक लाजवर्द रत्न का जो स्टोन है वो ये आपको फ्री दिया जा रहा है उपहार स्वरूप। तो अब आप जो आपकी इच्छा करे आप मिले। देखिए इतना आप जान लीजिए कि करना आप ही को पड़ेगा, भगवान तो सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं और जो मैं आपको बता रहा हूं ये रास्ता है, चलना तो आपको ही पड़ेगा। चलेंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे और सोचते रहेंगे तो दूसरे आगे निकल जाएंगे, आप सोचते ही रह जाएंगे। तो जीवन में लाखों हजारों रुपए खर्च आप करते हैं तो एक बार साक्षात महालक्ष्मी को भी अपने घर ले आइए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसे आपको हर साल बदलने की जरूरत नहीं, गंगा जल से धो के हर साल हर दिन प्रतिदिन पूजा करिए, समझ रहे हैं। जैसे इंसान होता है, इंसान जब तक जीवित है तब तक उसकी रोज देखभाल होती है, ऐसे आप समझ लीजिए साक्षात रूप में है, इनको बदलना नहीं है, हर साल आप
अपने बड़े बुजुर्गों को बदल नहीं देते हैं, उनके साथ तो जब तक जीवन है तब तक वक्त बिताते हैं। तो समझ लीजिए आपके ये साक्षात देवी देवता है जिनके बीच में आपको रहना है। घर में रखिए, फैक्ट्री में रखिए, कार्यस्थल में रखिए, कहीं पे भी रख सकते हैं और आनंद और आशीर्वाद ले सकते हैं। तो लाजवर्त रत्न के साथ लाजवर्त रत्न लेने के लिए आपको क्या करना है, L31 लिखकर मैसेज करना है, और ये पूरी किट जो है महालक्ष्मी की, इसको लेने के लिए LG, L for लक्ष्मी, G for गणेश लिखकर मैसेज करना है। सिर्फ 3 या 4 दिन और हम ये किट के ऑर्डर लेंगे, 31 तारीख तक मात्र, उसके बाद ऑर्डर नहीं लेंगे, 31 या 1 के बाद ऑर्डर नहीं लेंगे। कारण है क्योंकि हमें ये आप तक जल्द से जल्द पहुंचाना है, दीपावली से 2 दिन पहले आपके घर पे ये किट होनी चाहिए। तो हम 31 या 1 तक जो लोग भी पेमेंट कर देंगे, जो भी लोग ले लेंगे, उनको मिल जाएगा लाजवा रत्न, आप आगे पीछे ले सकते हैं। अब सोचिए, विचारिए, जो करना है करिए। तो चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल, बात करते हैं आपके राशिफल तुला की। आज बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बढ़िया दिन रहने वाला है, प्रेम संबंध के लिए भी बढ़िया दिन रहने वाला है, और जो भी कार्य और व्यापार संबंधी फैसले हैं वो बढ़िया रहेंगे, महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। सभी को आज आप आश्चर्यचकित कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर देंगे कि जिसकी आपको भी उम्मीद ना हो और लोगों को भी आपसे उम्मीद ना हो। शेयर मार्केट के लिए वक्त बढ़िया है, आपकी सेहत बढ़िया रहेगी, आप शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। आज ईश्वर की भक्ति आप दिल से करेंगे, दिखावा नहीं करेंगे। पेट में अपच की समस्या हो सकती है, भगवान आपको आपका दिन बढ़िया बिताने का रास्ता जरूर दिखाएंगे, जैसा आप चाहते हैं उसमें आज भगवान का भी सहयोग मिलेगा। हनुमान जी की उपासना करें, शिव जी की उपासना करें, गणेश जी की उपासना करें, आनंद ही आनंद है जीवन में। हरिओम, नमस्कार।